इम्पोर्टेंट चीज बताना है जरूरी कि ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इस मेथड से क्वेश्चन लास्ट ईयर इन्होंने ये मेथड को डिलीट कर दिया था, क्योंकि कोरोना के कारण जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना, इस मेथड को उन्होंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों बिल्कुल आसान है अभी, लेकिन इस मेथड का जरूरत क्यों पड़ा? हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है ना, उससे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो समटाइम्स लेट्स से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है, 37, टेक्सट बुक का पेज नंबर 37, ये निकाल लो। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जरूरत क्यों पड़ा? तो उन्होंने बुक में दिया हुआ है, समझो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x+2 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है 2। 1 × 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 10 आना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट, लेकिन ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ लिमिटेशंस है, हम हर एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी दूसरे मेथड हमें पता रहने चाहिए। सो सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और अगला जो तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड, इस मेथड से, इन दोनों मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो इस टाइप के क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन मेथड, जो पहला मेथड था, उससे सॉल्व नहीं हो पाते वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो दूसरा और तीसरा मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड्स है, इनको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड का लिमिटेशन है, वो हम हर बार यूज नहीं कर सकते। जैसे 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 10 है, वो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन को हम इन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले एक ऑब्जर्व करो आप। समझो मैंने आपको पूछा कि ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है? तो आता है ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा। मैं इसी फॉर्मूला को लिखते वक्त ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट प्लस माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर, तो आ जाएगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस, अगर होगा तो प्लस, माइनस अगर है तो माइनस, 2 × 1 × 2 प्लस सेकंड स्क्वायर। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर का हमारा एक दो आइडेंटिटीज है हमारे पास, इन दो आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। ओके, और इसमें और एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका भी यूज करेंगे। तो ये तीन आइडेंटिटी आपको पता रहनी चाहिए, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों का हम यूज करने वाले हैं। लेकिन ये मैंने ऐसे क्यों लिख के दिया, तो इसका प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पे पहला नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, तो यहाँ टोटल तीन टर्म्स आते हैं। पहले टर्म में आपको फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मिलेगा, तीसरे टर्म में सेकंड नंबर का स्क्वायर मिलेगा, और बीच वाले टर्म में या तो वो +2ab होगा या -2ab होगा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो वो प्लस। वहां पे 2 है, बाद में फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, आप सोच रहे होंगे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे, इतना डिटेल में पता होना जरूरी है कि वहां पे तीन तीन चीजें हैं, एक 2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इन तीनों का प्रोडक्ट। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं कि समझो ये क्वेश्चन है 5x² - 4x - 3।
अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला गया सॉल्व, इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग से फैक्टराइजेशन मेथड, इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ तो 5 × -3 मतलब -15, इसके ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -4 आएगा। तो आप देखो -15 के फैक्टर 15 × 1 = 5, 3 = ओके अभी -4 एडिशन आने वाला एक भी ऐसे दो हमें फैक्टर्स नहीं मिल पाएंगे। ओके इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसीलिए फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। अभी कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम जो बेसिक यूज करने जा रहे हैं वो अच्छे से समझने का प्रयास करो। सी अभी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके अभी मैं यहाँ पे ये वाला जो है ये फर्स्ट का स्क्वायर बता रहा हूँ, ये मिडल टर्म ले रहे हैं हम, मिडल टर्म मतलब ये वाला मिडल टर्म 2 × 1 × 2। ओके एक्स स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट का स्क्वायर, और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी को फिलहाल साइड में रखो, एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर और इस टर्म को हम अज्यूम कर रहे हैं 2 × 1 × 2। ओके ये इस मिडल टर्म को। अभी आप इस पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अभी कन्वर्ट करने के लिए ये है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स को लिखते वक्त देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बी एक्स को लिखते वक्त मैं कैसे लिख रहा हूँ, सी 2 × x × b/2। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और बी एक्स को लिखते वक्त x को पहले लिखा, b को बाद में लिखा, प्लस ये जो c है ना अभी फिलहाल आप भी देख सकते हैं बुक में इसी को उन्होंने राइट में शिफ्ट कर दिया, तो अभी मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। अभी ये क्या हो गया फर्स्ट का स्क्वायर और ये है यहाँ पे फर्स्ट, ये है हमारा 2 और ये है हमारा सेकंड टर्म, और फिर ये तीसरा टर्म क्या आना चाहिए सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हमने हालांकि क्या किया है वो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये b बाई टू का स्क्वायर जो है ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख डाला b/2 का स्क्वायर। ओके अभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमने वो b/2 का स्क्वायर एक्चुअली स्पीकिंग ऐड किया, और अगर लेफ्ट में ऐड किया तो उसको हमें राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा b/2 का स्क्वायर। और वो क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि हमें 3 टर्म ऐसे चाहिए कि इसमें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 × a/1 × 2 प्लस सेकंड का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट चाहिए ताकि अभी हम इसको डायरेक्ट x प्लस b/2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सके, कंप्लीट स्क्वायर में हम उसको लिख सके इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये b/2 ब्रैकेट स्क्वायर पहले लिखेंगे और माइनस सी बाद में लिखेंगे, ये लिखते वक्त मैंने पहले लिखा माइनस सी बाद में लिखा, तो ये वाला जो स्टेप आया डायरेक्ट ये वाला, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया b/2 का होल स्क्वायर एक ही साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और उन्होंने इस -b/2 स्क्वायर और c को राइट में शिफ्ट कर दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब b/2 होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। तो अभी आप ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि आपने सर दोनों साइड उसको ऐड कर दिया, तो मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके इतना टेंशन मतलब जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वेट, जब हम इसको एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे b/2 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वो सेकंड टर्म का रोल प्ले कर रहा है ये पूरा b/2। ओके 2 × 1 × 2, तो सेकंड का स्क्वायर हमें चाहिए। ओके अभी b/2 होल स्क्वायर और c को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा और ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है इसका होल स्क्वायर लेने के बाद आपको यही आंसर मिलेगा a+b ब्रैकेट 4 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो। ऑल राइट
अभी ऐसे हमने एक्सप्रेस किया और उसके बाद अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि ऐसे क्यों एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं सॉल्व एग्जांपल बताता हूँ। ओके, लेकिन ये बी बाई टू था क्या? जो जो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट वाज दैट? तो क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले याद रखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व करते वक्त हमारा पहला गोल ये रहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट b है उसका हाफ ले लो और उसका स्क्वायर ले लो। ओके, याला अपन मराठीत म्हणतो एक्सचा सहगुणक बी आहे, त्याचा अर्धा घ्यायचा, हाफ घ्यायचा आणि त्याचा वर्ग घ्यायचा, स्क्वेअर घ्यायचा, अँड इट शुड बी ऍडेड अँड सबट्रॅक्टेड इन द लेफ्ट हँड साइड। ओके, सो व्हॉट इज दॅट वी ऍड अँड सबट्रॅक्ट? तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वेयर। इसको मतलब बी बाई टू ब्रैकेट स्क्वेयर को हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके लिए पहला गोल है, ये सबसे बड़ा हिंट है कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड का। लेकिन इसके पहले पहला गोल हमारा क्या बताया कि एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा तब उसके बाद ये बी बाई टू होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि दिया हुआ क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वो इस फॉर्मेट में आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, और फिर उसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा, अभी बोलो, किसी को कोई डाउट? युवराज सर, ये 2 ने आपने डिवाइड किया सर, ये ही समझ में नहीं है। वहां पे मुझे हमारे ये जो मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म में 2 चाहिए मुझे, है ना? लेकिन यहाँ पे bx के साथ मुझे 2 नहीं है मेरे पास, तो वो 2 लाना पड़ेगा ना, ये जो मिडल टर्म वाला 2 है, ये 2 चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। लेकिन डिवाइड करते बी को ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पहला टर्म हमारा x है, तो ये पहला टर्म x ही रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बी के अपॉन वाला 2 बी के साथ जोड़ दिया। समझा सर? फिर कैंसिल हो सकता है ना सर? हाँ, कैंसिल हो सकता है ना, 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2 हो रहा है ना। अरे कैंसिल हो सकता है, लेकिन मुझे आपको शो करना है कि ये जो पहले 3 टर्म हमने लिखे यहाँ तक, अलग कलर से दिखाता हूँ, ये जो पहले 3 टर्म हमने लिखे यहाँ तक, ये 3 टर्म जो है, ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इस फॉर्मेट के है वो, और फिर उसको आप सीधा सीधा x प्लस बी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो। हमारा गोल ही है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर में उसको लिखना है, तभी तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 2 को कैंसिल नहीं करेंगे, वो हमने 2 खुद इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेकंड टर्म क्या आएगा। तो सेकंड टर्म यहाँ बी बाई टू आता है। ठीक है, आपने सर राइट हैंड साइड में सर बी अपॉन 2 लिया, तो जो मिडल टर्म का 2 कहाँ है सर, एक्स स्क्वायर के बाद का? एक्स स्क्वायर के बाद का मिडल टर्म का 2 यहाँ पे है ना, ये वाला राइट साइड? नो सर, लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो इक्वेशन लिखा है ना सर, एक्स प्लस बी अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, पे बी अपॉन 2 मतलब वहां का आ गया, तो सर x स्क्वायर प्लस 2 वो 2 कहाँ है? अरे बाप रे देवा रे देवा, याचा आंसर काय येते बाळा? याचा आंसर काय येते? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चा आंसर काय येते? a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वायर। किंवा याचा आंसर काय येते? 1 स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वेअरचा आन्सर काय येते? 1 प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर।
तर मी याचं हे जे तीन टर्म आहेत याचा आन्सर लिहिलंय इथं एक्स प्लस बी बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर वन प्लस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर. समजलं का? हो सर, कळालं सर. उलटा फॉर्म्युला युज केला. ओके ठीक है, इतना अगर नहीं समझ में आया तो भी चलेगा. अभी सब लोग ऐसा समझ लो कि यहाँ तक मैंने जो भी बताया वो बिल्कुल समझ में नहीं आया सर मुझे, तो अभी ध्यान दो, अभी ठीक से ध्यान दो. ओके ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप नंबर वन, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एज वन. नहीं है वन तो कैसे करना है वो मैं बता दूंगा पहले. ये स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू, एड एंड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब बी बाय टू ब्रैकेट स्क्वायर. ये एड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. एंड स्टेप नंबर थ्री, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट गेट द सोल्यूशन, ठीक है. ये तीसरा स्टेप, स्क्वायर रूट लेके सोल्यूशन निकाल लो. अभी ये तीनों स्टेप कैसे आते हैं एक एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करेंगे तो आपको और आसान लगेगा. रादर देन स्पीकिंग ओनली थियरी, मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको और आसान लगेगा. यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्योंकि उनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन या फिर एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन दिया हुआ है. फिर भी हम एक इसमें से ही एक क्वेश्चन लेंगे. लेट अस टेक दिस सेकंड क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.3 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. द क्वेश्चन गिवन इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. देखो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले वन बनाना है. तो ऑलरेडी है वन, तो स्टेप वन हो गया कंप्लीट. स्टेप टू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है तो हम पहले ये कैलकुलेशन करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करो. टू अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, टू अपॉन टू वन है, वन का स्क्वायर वन. इस वन को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, टू एक्स के बाद इमीजिएटली इस वन को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, और ये माइनस फाइव बाद में लिखो. ये जो कांस्टेंट रहता है ना सी वाला हमारा, वो बाद में लिखो. अभी यहाँ पे जो ऐड किया हुआ वन है इसको ब्रैकेट में डाल दो. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको ब्रैकेट में लिखो, और ये माइनस वन माइनस फाइव वो माइनस सिक्स आ जाएगा इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स. और अभी ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन, मतलब वन स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्स. और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? वन. तो टू ए बी एक्स प्लस वन ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ये हुआ दूसरा स्टेप. एड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. एंड नाउ थर्ड स्टेप इज वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट एंड गेट द सॉल्यूशन. अभी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो x प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स, और x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट सिक्स. अभी ये है क्या? तो जब भी हम कोई नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट लेना है तो उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस फोर और दूसरा माइनस फोर. ठीक है, तो इक्वेशन में स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको एक आंसर पॉजिटिव और एक आंसर नेगेटिव, ऐसे दो आंसर आते हैं. लेकिन डायरेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो खाली पॉजिटिव आंसर आता है. ये बेसिक है, ये याद रखो कि हम अभी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. तो इक्वेशन में जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा,
ये स्क्वायर कैंसिल होगा लेफ्ट में, और राइट में अंडर रूट सिक्स को एक आंसर प्लस अंडर रूट सिक्स आएगा और एक निगेटिव अंडर रूट सिक्स आएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद एक्स का वैल्यू प्लस फोर और माइनस फोर आएगा। ठीक है, अभी हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 को राइट में शिफ्ट करो, माइनस 1 प्लस रूट 6, और यहाँ पे भी 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 माइनस रूट 6। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। अभी जब फाइनल आंसर आ जाता है ये वाला, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x के दोनों के भी वैल्यू हमें मिल गए। ओके, यहाँ पे तो उन्होंने एक सॉल्व एग्जांपल बताया कि जो दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है और दोनों मेथड से आंसर सेम ही आया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस फाइव के फैक्टर जिनका एडिशन प्लस टू है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाओ, वो ऑलरेडी 1 है। दूसरा स्टेप था ये एड सब्ट्रैक्ट करो, और तीसरा स्टेप था स्क्वायर रूट ले लो। अभी किसी को कोई डाउट? स्किप सर, लिखना है सर इसके पीछे की स्लाइड दिखाऊं। अभी किसी को कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। तीनों स्टेप समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ओके, ऑल क्लियर सर। लिखो, सर वैसे आप क्या किया करो, कलर चेंज किया करो सर, कभी कभी अच्छा लगता है। कलरफुल लाइफ जीना चाहिए है ना। चलेगा, एक्सेप्टेड योर सजेशन। सर बोर्ड में इस चैप्टर का परसेंटेज कितना होता है सर? बोर्ड में एक मिनट यार, कौन कौन सी याद रखूं मैं? 12वीं का याद नहीं रहता मेरा, 10वीं का, सीबीएसई बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का, सब कुछ मैंने लिख के रखा है सर। मैं बाद में इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आप। भेज दो सर। पहले फर्स्ट टू चैप्टर्स लगभग 10 और 10-20 मार्क के लिए आते हैं लगभग। सीबीएसई की 12 की एग्जाम कैंसिल हो गई क्या सर? हाँ ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट बाद में भेज देता हूँ बेटा, मुझे याद नहीं रहता वो तीन बोर्ड का सिलेबस। भेज दो सर बाद में। यस, लेकिन हाँ इतना पता है पिछले साल मैंने जब देखा था तो पहले दो चैप्टर का वेटेज 20 मार्क्स का था, 80 में से 20 मार्क्स विथ ऑप्शन। हो गया सर लिखना। ओके, ये क्वेश्चन भी लिख लो अभी। अभी जिस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है वैसा वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ये लिख लो, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये यहाँ पे किसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो सीधा सीधा क्या देखने का, ये पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर रहता ही है, ये डायरेक्ट तीसरा वाला टर्म देखो, ये किसका स्क्वायर है वो देखो, और बस ये एक्स रहता है ए का वैल्यू और वन रहता है बी का वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। ये बीच वाला टर्म अपने आप वो 2ab का काम करता ही है, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट ही ऐसे किया कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एडजस्टमेंट उसी के लिए है कि ये जो 2x है वो 2ab का काम करे।
डन सर, हो गया। अपडेटेड सर। नेक्स्ट सर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को दो से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, चार से क्यों नहीं फिर बाद में? हाँ सर, आपने बोला था दो फॉर्मूले के फॉर्मूला में टू ए भी चाहिए, तो वो टू लाने के लिए हम टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है? एंड देन सर सी उस तरफ लेने के मीन्स उस तरफ लेने के बाद उस तरफ हम माइनस माइनस मीन्स डायरेक्टली उस तरफ नहीं ले सकते, क्या सर माइनस बी और जो प्लस बी बाय टू है वो डायरेक्टली सी को राइट हैंड साइड में प्लस करके? तो ये शिफ्ट करने के बाद आप जब ये बी बाय टू होल स्क्वायर और सी को राइट में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट के स्क्वायर का आंसर मिला है। लेफ्ट में देखो x प्लस बी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर का ये आंसर है, हमें x का वैल्यू चाहिए तो इसलिए हमें पहले स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और फिर इस बी बाई टू को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब हमें x का वैल्यू मिलेगा। सिर्फ सॉल्व मतलब क्या, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसलिए तीसरा स्टेप जरूरी है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके सर, ठीक है ना सर, इसका रिकॉर्डिंग भेज दो ना। ओके, चौथा वाला क्वेश्चन फिर और एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 9y² थोड़ा ऊपर (9y²-12y+2=0) फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है क्या, चेक करो। 9 to 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन -12 है, पॉसिबल है क्या? नो सर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आवर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज नीडेड। तो पहले स्टेप में हमें ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप अभी बढ़ जाएगा, प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन। देखो ये कोएफिशिएंट अभी फिलहाल 9 है, तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम 9 को कॉमन लेंगे, तो 9 (in)(bracket) यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ 12/9y+2/9=0। इतना सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. मैंने इन तीनों टर्म में से 9 को कॉमन निकाला, यहाँ पे पहले से ही 9 था, तो 9 कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 बचेगा जो हम लिखते नहीं, वो लिखने का जरूरत नहीं है 1, ठीक है, वो नहीं लिखा। और यहाँ से 9 कॉमन निकालने के बाद वो अपॉन में एक 9 क्रिएट हो जाएगा और यहाँ भी अपॉन में एक 9 आ जाएगा। ओके, अगर ये ऐसा नहीं समझ में आया किसी को तो आप ऐसा समझ लो कि 9y²-9(12/9y+9)(2/9) ऐसे (=0)। मैंने इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, और अभी 9 कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 12/9y। ये 9 कॉमन निकाल लिया बाहर, ये बाहर चला गया, जो बचा हुआ वो लिख लिया (+2/9=0)। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, नाउ वी कैन डिवाइड बाय 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 कैंसिल होगा और राइट हैंड साइड में 0/9 0 ही आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गया (y²-12/9y+2/9=0)। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। ना अभी दूसरा स्टेप है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x के जगह भी y है (2)² इसका कैलकुलेशन करो और वो वाला टर्म हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ y (2)² निकालो, तो कोएफिशिएंट ऑफ y है (-12/9) उसको (2) उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा (-12/9)(2)² 2 ones are 2, 6 are 12 -6/9 (²)
माइनस सिक्स बाय नाइन, थ्री से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू बाय थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, उसका स्क्वायर वो आ जाएगा फोर बाय नाइन। तो हमें इसका मतलब क्या करना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट फोर बाय नाइन। तो फोर बाय नाइन यहाँ पे हमें एड और सब्ट्रैक्ट करना है, सो वी विल गेट वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बाय नाइन वाई प्लस फोर बाय नाइन माइनस फोर बाय नाइन, और ये प्लस टू बाय नाइन जो है वो उसके बाद में लिख लिया इज इक्वल टू जीरो। ये जो प्लस किया हुआ फोर बाय नाइन है उसको ब्रैकेट में ले लो, वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बाय नाइन वाई प्लस फोर बाय नाइन उसको ब्रैकेट में लिख लिया, और माइनस फोर बाय नाइन और प्लस टू बाय नाइन इनका सोल्यूशन निकालो। तो दोनों का डिनोमिनेटर नाइन है और ये आ जाएगा माइनस फोर प्लस टू माइनस टू बाय नाइन इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया ना, इन दोनों का एडिशन माइनस टू बाय नाइन लिखा, साइड में बता देता हूँ, माइनस फोर बाय नाइन प्लस टू बाय नाइन, डिनोमिनेटर में नाइन है, न्यूमरेटर में माइनस फोर प्लस टू, वो आ जाएगा माइनस टू बाय नाइन। तो यहाँ पे आया माइनस टू बाय नाइन। ओके, अभी अगले स्टेप में हम ऐसा लिखेंगे सीधा सीधा वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बाय नाइन वाई प्लस फोर बाय नाइन को मैं लिख रहा हूँ टू बाई थ्री ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो फोर बाय नाइन है ना उसको मैंने लिया टू, लिखा टू बाई थ्री ब्रैकेट स्क्वायर, और माइनस टू बाय नाइन ये जो टर्म है इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो वो पॉजिटिव टू बाय नाइन होगा। और यहाँ पे है ए स्क्वायर, ये है माइनस टू ए बी, और ये है बी स्क्वायर। आप चाहे तो चेक करके देखो, ये वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आएगा माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए का वैल्यू वाई इंटू बी का वैल्यू टू बाई थ्री। ओके, टू ए बी कुछ तो गलत हो गया, सिक्स ट्वेल्व माइनस सिक्स बाय नाइन फोर बाय नाइन, टू इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर बाय थ्री। ओके ओके, सॉरी, ट्वेल्व बाय नाइन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आएगा फोर बाय थ्री, तीन से डिवाइड करेंगे तो ये भी फोर बाय थ्री आ रहा है, मैंने ट्वेल्व बाय नाइन को सिंप्लीफाई नहीं किया, ठीक है। तो ये बीच वाला टर्म जो है वो फोर बाय थ्री आ रहा है। आप इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा याद रखो कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, सीधा सीधा लिखो उसको ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ए का रोल वाई प्ले कर रहा है, बी का रोल टू बाई थ्री प्ले कर रहा है, सो वाई प्लस टू बाई थ्री ब्रैकेट स्क्वायर। वैसे समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, बीच में मैंने प्लस लिया, यहाँ पे बीच में प्लस लेना है कि माइनस, बोलो। माइनस माइनस, वेरी गुड। नाउ तीसरा स्टेप है टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा y माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ टू बाई नाइन, और y माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट ऑफ टू बाई नाइन। y माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई थ्री, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर रूट अंडर रूट टू और नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, और y माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू बाई थ्री, टू का स्क्वायर रूट रूट टू नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, ठीक है। और माइनस टू बाई थ्री को राइट में शिफ्ट कर दो तो वो प्लस टू बाई थ्री हो जाएगा, सो टू बाई थ्री प्लस रूट टू बाई थ्री, और टू बाई थ्री माइनस रूट टू बाई थ्री, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे अपॉन में एक ही बार थ्री लिखो, तो वाई इज इक्वल टू अपॉन थ्री टू प्लस रूट टू, और y इज इक्वल टू टू माइनस रूट टू अपॉन थ्री, दिस इज द सोल्यूशन। ये हुआ हमारा आंसर, समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो लिख लो। सर लिंक आ गई ना अभी क्लास की? हाँ, अभी फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अगला पेज ले लो।
और आज का होमवर्क क्या है, समझ में आ गया? यस सर, आगे एक्सरसाइज नंबर, टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज प्रैक्टिस 2.3, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। सर आगे का पेज लो। जिनके कैलकुलेशन पक्के हैं उनको समझ में आ गया होगा, जिनके कैलकुलेशन कच्चे हैं वो स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस करो प्लीज। चलो थैंक यू ऑल वेरी मच। सो टुडे वी कंप्लीटेड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, टुमारो वी विल डिस्कस फॉर्मूला मेथड। प्रैक्टिस सेट 2.3 इज टुडेज होमवर्क। बाय, थैंक यू।